तो नमस्कार दोस्तों, टूल्स एक्सपर्ट की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको टॉप 12 हैमर ड्रिल जो कि इंडियन मार्केट में अवेलेबल है अंडर 5000। तो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है हैमर ड्रिल के ऊपर, बाइंग गाइड वाली। आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने लिंक दिया है। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखें अगर आप हैमर खरीदने जा रहे हैं तो। पर वो एस्पेक्ट्स और वो जो चीज़ें बताई थी वो बाई हैंड या ऑफलाइन मार्केट में ही ज़्यादातर काम मिली जाती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा टॉप 12 हैमर ड्रिल जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है इन इंडिया अंडर 5000। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो ये हैमर ड्रिल की सीरीज है वो मैंने बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी फंक्शंस को देख के बनाई हैं, इनके रिव्यूज़ और इनकी जो प्राइस के अकॉर्डिंग बनाई हैं। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेड प्रमोशन है तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चेस्टोन की तरफ से जो कि CHD20 जिसका मॉडल नंबर है, जो कि 500 वाट की मोटर के साथ आती है। इसके अंदर आपको दो मोड्स मिलते हैं और जिससे कि आप नॉर्मल ड्रिलिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा चक और SDS अडेप्टर लगा के, और इसके साथ आपको SDS अडेप्टर वगैरह साथ नहीं मिलते हैं। और मिलते हैं एक एक्स्ट्रा हैंड ग्रिप और डेप्थ गेज और दो बिट SDS प्लस अटैचमेंट वाले बिट। और इस सीरीज की जो अगली ड्रिल है 11वें नंबर पे आती है जिसका नाम है MX की तरफ से आती है, जो कि 800 वाट की मोटर के साथ, और इसके अंदर दो मोड मिलते हैं। और अगर एक्सेसरीज की बात करूं तो इसके अंदर आपको 3 पीसेस के ड्रिल हैमर बिट मिलते हैं, और इसके साथ आपको डेप्थ गेज एंड जो हैंड ग्रिप अलग से आपको बॉक्स के अंदर मिलती है। और इस सीरीज के अंदर जो हमने 10th नंबर पे जो ड्रिल रखे आते वो आती है ब्रोच की तरफ से। तो ब्रोच की ये ड्रिल 500 वाट की मोटर के साथ मिलती है, इसके अंदर आपको दो मोड्स मिलते हैं। और अगर एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको हैंड ग्रिप एंड डेप्थ गेज एंड आपको एक चक मिलता है SDS अडेप्टर के साथ, और उसके अलावा आपको मिलते हैं 3 बिट जिससे कि आप यूज़ करके अपना वर्क कर सकते हैं। और अगले हम चलते हैं सीरीज के अंदर, तो हमने 9वें नंबर पे रखी है जो आईबेल की तरफ से आती है RH20 जो कि 500 वाट की ड्रिल है जिसके अंदर आपको दो मोड मिलते हैं। और आईबेल एक बहुत अच्छा ब्रांड है। और अगर हम एक्सेसरीज की बात करें तो आपको मिलता है हैंड ग्रिप और डेप्थ गेज और एक चक मिलता है 13mm का, उसके साथ SDS अडेप्टर मिलता है चक को हैमर के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके साथ आपको 3 बिट मिलते हैं जिससे कि आप काम कर सकते हैं। और इस सीरीज़ की जो 8वें नंबर की जो ड्रिल है वो है टाइगर वेल्स या जो टाइगर टूल्स की तरफ से आने वाली 800 वाट की हैमर ड्रिल, जिसके अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं। 3 मोड्स आपको अगर मैं बताऊँ तो हैमर, रोटेटरी हैमर एंड अनोदर वन जिसको हम कहते हैं चीजल या हम मिनी डेमोलिशन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको एक और फंक्शन मिलता है रिवर्सिबल का फंक्शन। रिवर्सिबल का फंक्शन आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और इसके अंदर अगर एक्सेसरीज़ की बात करें तो आपको मिलते हैं 2 चीजल, 3 बिट्स और एक चक एंड SDS अडेप्टर, और उसके साथ आपको मिलता है हैंड ग्रिप एंड डेप्थ गेज। तो इस सीरीज़ की जो 7वें नंबर की ड्रिल है वो आती है टूल्स डेन की तरफ से, जिसके अंदर 800 वाट का दमदार मोटर, 3 मोड्स मिलते हैं जो कि सेम है, और रिवर्सिबल फंक्शन भी मिलता है आपको इसके अंदर। और अकॉर्डिंग टू मी ये भी बहुत अच्छी ड्रिल है। और अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 बिट, एक चीजल बिट और हैंड ग्रिप एंड डेप्थ गेज। और अगर हम इस सीरीज की 6वें नंबर की ड्रिल की बात करें तो वो आती है खाडीजा की तरफ से 900 वाट की ड्रिल, जिसके अंदर भी आपको 3 मोड्स मिलते हैं, SDS बिट्स का अडेप्टर मिलता है साथ, रिवर्सिबल फंक्शन है। एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर हैंड ग्रिप, डेप्थ गेज, चक मिलता है 13mm का, SDS अडेप्टर मिलता है, 3 बिट्स मिलते हैं और 2 चीजल बिट्स मिलते हैं।
और जो अगली ड्रिल है जो पाँचवें नंबर पे आती है वो आती है इंडी ट्रस्ट की तरफ से, जो 900 वाट की एक दमदार मोटर के साथ आती है, जिसके अंदर आपको तीन मोड्स मिलते हैं, रिवर्सिबल का फंक्शन मिलता है, और एक्सेसरीज की अगर मैं बात करूँ तो आपको डेप्थ गेज मिलता है और एक्स्ट्रा हैंड ग्रिप मिलती है, दो चीजल बिट मिलते हैं, तीन नॉर्मल बिट मिलते हैं। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है और इसके भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और अगर हम अगले नंबर की ड्रिल की बात करें जो फोर्थ नंबर पे आती है, जिसका नाम है आईबेल RH26, और इसके अंदर भी आपको 800 वाट की मोटर मिलती है जो कि बहुत अच्छा पावर प्रोड्यूस करती है। SDS आपको चक मिलता है, तीन मोड मिलते हैं, और अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको डेप्थ गेज, एक हैंडल मिलता है, दो चीजल बिट मिलते हैं और तीन अपने नॉर्मल हैमर बिट मिलते हैं। इसके साथ आपको एक चक मिलता है SDS अडेप्टर के साथ। और इस सीरीज में जो हमने थर्ड नंबर पे जो ड्रिल रखी है वो आती है प्लेनेट पावर की तरफ से PH22। इसके अंदर आपको 800 वाट का दमदार मोटर मिलता है, इसके साथ आपको दो मोड्स मिलते हैं। और अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपको हैंड ग्रिप मिलती है, एक बिट मिलता है साथ, एंड डेप्थ गेज मिलता है। अगर हम प्लेनेट पावर ब्रांड की बात करें तो मैंने भी इसके बहुत सारे टूल्स यूज़ किए हैं, बहुत ही अच्छा ब्रांड है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो सीरीज़ में दूसरे नंबर पे हमने रखी है स्टैनली की 620 वॉट की हैमर ड्रिल, जिसके अंदर आपको दो मोड्स मिलते हैं और SDS प्लस चक मिलता है। अगर हम एक्सेसरीज़ की बात करें तो DP गेज, जो कि हमें डेप्थ गेज बोलते हैं वो, और उसके साथ आपको हैंडल मिलता है। अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो मैंने खुद ने इसको यूज़ किया है बहुत दिनों तक। इसके अंदर आपको जो वेरिएबल स्पीड कंट्रोल मिलता है, अगर आपको मैं वेरिएबल स्पीड कंट्रोल समझाऊं तो आप अगर जैसे जैसे स्विच को प्रेस करेंगे वैसे वैसे ही उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, जो दूसरी जो लोकल हैमर्स आती है उनकी तरह नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसके अंदर जो मोटर होती है वो भी बहुत हाई क्वालिटी की होती है, बेस्ट बहुत अच्छा पावर प्रोड्यूस करती है। और अगर मैं इसे आप ख़रीदना चाहते हैं इन सभी ड्रिल्स को जो मैंने बताई है तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, मैंने वहाँ पे सभी के लिंक दिए हैं। और एट लास्ट जो हमने इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो ड्रिल रखी है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो है बोस की GBH200। इसके अंदर आपको 500 वाट का एक दमदार मोटर मिलता है, SDS प्लस चक मिलता है, दो मोड्स मिलते हैं, 4 वाट रिवर्स का भी इसके अंदर अलग से मोड मिलता है। और अगर हम इसके अंदर एक्सेसरीज़ की बात करते हैं तो आपको मिलता है DP जिसे हम डेप्थ गेज बोलते हैं, इसके साथ आपको एक्स्ट्रा हैंड ग्रिप के लिए हैंडल भी मिलता है। और बोस का जहाँ पे नाम होता है वहाँ पे आपको पता है बोस एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है और टॉप क्लास ब्रांड है, प्रोफेशनल टूल्स के लिए ये ज़्यादातर जाना जाता है। और इसको मैंने बताया, जैसे कि मैंने इसको भी यूज़ करके देखा है, इसके अंदर भी वेरिएबल स्पीड कंट्रोल है, ये ज़्यादा हीट नहीं होती है, इसके अंदर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है और बॉडी भी बहुत अच्छी है इसकी, मैंने खुद ने पर्सनली यूज़ किया है इसे बहुत दिनों तक। और जैसे कि मैंने बताया कि बोस एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड और फेमस ब्रांड है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी आपको ड्रिल को परचेज करनी हो तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए हैं, वहाँ से आप जाके ख़रीद सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और